वेरी फर्स्ट थिंग आप क्या कीजिए इसका, वेरी फर्स्ट थिंग आप क्या कीजिए इसका, आप रफ डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। यह है ए बी, यह है पॉइंट सी आउटसाइड इट, और यह है इसको लाइन पैरेलल। ओके, ये इसको पैरेलल लाइन है। मेरा आवाज आ रहा है? क्योंकि अभी किसी ने लिखा था कि आपका वॉइस क्लियर नहीं है, तो बेटा वो नेटवर्क इश्यू आपकी तरफ होगा। और तो मैं अपना मोबाइल का वाईफाई रहा हूं, मतलब वाईफाई यूज करके सॉल्व पढ़ा रहा हूं आपको। ओके, ये रफ डायग्राम है। ए बी हमने ड्रॉ किया, सी इज द पॉइंट आउटसाइड इट, और उसको एक पैरल लाइन है। दिस इज द रफ डायग्राम। अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आप लाइन ए बी ड्रॉ करो और इस ए बी लाइन का लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर रखिए। ये रही आपकी लाइन ए बी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ड्रॉ लाइन ए बी, ओके, और इसका आप लेंथ रखिए 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और काम कीजिए, समय तो आपको मिल ही रहा है, ठीक है, आप चार पांच लाइन छोड़ के स्टेप्स भी लिखना शुरू कर दीजिए। पहला स्टेप आएगा ड्रॉ रफ डायग्राम। ओके, पहला स्टेप ड्रॉ रफ डायग्राम, फिर दूसरा स्टेप ड्रॉ लाइन ए बी ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ का लाइन ए बी ड्रॉ कीजिए। इससे क्या होगा, हमारा डायग्राम भी बनते जाएगा, साथ के साथ आपके स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो पहला स्टेप क्या था, ड्रॉ द रफ डायग्राम। ओके, सेकेंड स्टेप ड्रॉ लाइन ए बी ऑफ लेंथ 10 टू 12 सेंटीमीटर। ओके, इतना हो गया आप लोगों का। यस, इतना हो गया। रिस्पॉन्ड प्लीज, यस और नो से रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके, अब थर्ड पॉइंट क्या रहेगा सुनिए, आप चाहे तो पॉइंट भी लिख लीजिए और यहां पे देख भी लीजिए। थर्ड पॉइंट है यहां पे जो पॉइंट सी के कहा है कि पॉइंट सी बाहर है, ठीक है, तो आप पांच छह लाइन ऊपर, और अगर ऊपर जगह नहीं है तो फिर पांच छह लाइन नीचे, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ऊपर सबको जगह होगी। पांच छह लाइन ऊपर, 5 to 6 लाइन ऊपर आप एक पॉइंट लीजिए यहां पे, और ये पॉइंट है आपका पॉइंट सी, और यहां पे एक पॉइंट लीजिए लाइन पे, और ये पॉइंट आपका डी, ठीक है। 5 to 6 लाइन ऊपर आप पॉइंट सी लीजिए, और जो लाइन ए बी ड्रॉ किया था वहां पर पॉइंट डी लीजिए, और आप लिखेंगे क्या, टेक पॉइंट सी आउटसाइड लाइन ए बी एंड पॉइंट डी ऑन लाइन ए बी। टेक पॉइंट सी आउटसाइड लाइन ए बी एंड पॉइंट डी ऑन लाइन ए बी। इतना हो गया। ये आपका थर्ड पॉइंट था। पहला पॉइंट था ड्रॉ रफ डायग्राम, दूसरा पॉइंट था ड्रॉ लाइन ए बी ऑफ लेंथ 10 टू 12 सेंटीमीटर, तीसरा पॉइंट टेक पॉइंट सी ऑन लाइन, टेक पॉइंट सी आउटसाइड लाइन ए बी एंड पॉइंट डी ऑनलाइन ए बी, ठीक है। ये हो गए आपके तीन पॉइंट। चौथा पॉइंट, जॉइन सी डी, जॉइन सी डी। जॉइन सी डी,
डायग्राम में भी आप ज्वाइन कीजिए और पॉइंट भी लिख लीजिए, ज्वाइन सीडी। इतना हो गया। नहीं बेटा, मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन रिपीट नहीं करूंगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्योंकि आप अपने मन से भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो वैभवी, क्या डाउट है? माइक ऑन करके बोलो। सर पॉइंट डी हम ए बी लाइन में कहीं पे भी ले सकते हैं। कहीं भी, कहीं भी। माइक जिनका भी ऑन है बंद कर दीजिए अभी। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करना है आपको। अगले स्टेप में लीजिए कंपस। कंपस में 1 से 2 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हो आप। ओके, कम से कम 1 रखना, ज्यादा से ज्यादा 2, इससे ऊपर नहीं रखना है। और जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक उस गैप को डिस्टर्ब भी मत कीजिएगा। ओके, कंपस में 1 सेंटीमीटर का गैप या 2 सेंटीमीटर, बस 1 और 2 के बीच में 1 रखिए, 1.5 रखिए या 2 रखिए, इट्स अप टू यू। ठीक है, कंपास में 1 सेंटीमीटर का गैप रख के आपको करना क्या है, देखिए पॉइंट डी, पॉइंट डी पे नीडल प्लेस करना है और ये सेमी सर्कल बनाना है। पॉइंट डी पे नीडल प्लेस करना है और ये सेमी सर्कल बनाना है, इसे नाम दे दीजिए ई, यहां पे ये एफ और यहां पे ये जी। ठीक है, मैं फिर बता देता हूं। कंपास लीजिए, कंपास में 1 से 2 सेंटीमीटर का गैप लीजिए। गैप कम से कम 1 होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा 2 होना चाहिए। ओके, 1 से 2 सेंटीमीटर का गैप लेके आप क्या करना क्या है, नीडल रखना है पॉइंट डी पे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। इस सेमी सर्कल का ये वाला पॉइंट ई आएगा, ये वाला पॉइंट जी आएगा और ये वाला पॉइंट एफ आएगा। ठीक है, फिर उसी कंपास का उतना ही गैप, मैंने कहा था गैप डिस्टर्ब मत करना, अगर गलती से किसी ने गैप डिस्टर्ब कर दिया है ना, तो आप नीडल यहां रख के और पेंसिल का टिप यहां रखे, फिर से आपको उतना ही गैप मिल जाएगा। ओके, आपको अब ये नीडल सी पे रखना है और यहां पे एक सर्कल बनाना है। ठीक है, सेम गैप, नीडल ई पे रख, सी पे रख के आपको एक सर्कल बनाना है। ओके, कंपस में 1 to 2 सेंटीमीटर का गैप लीजिए, कंपस में 1 to 2 सेंटीमीटर का गैप लीजिए, नीडल डी पॉइंट पे रखिए, सेमी सर्कल बनाइए ई जी, सेमी सर्कल ई जी, फिर नीडल सी पे रखिए और यहां पे एक सर्कल बनाइए, ये वाला पॉइंट आपका पॉइंट एच आ जाएगा, दिस पॉइंट विल बी एच। इतना किस किस का हो गया? स्टेप क्या लिखना है मैं बता रहा हूं आपको। ये हो गया डायग्राम, पहले ये बताइए फिर मैं स्टेप बताऊंगा। अगर आपका ये हो गया है तो फिर मैं स्टेप बताऊंगा आपको, स्टेप में क्या लिखना है। यस और नो? Only one students have responded. Two. चलिए अब स्टेप लिख लीजिए। स्टेप में क्या लिखना है सुनो। मैं स्टेप डिक्टेट कर रहा हूं अभी। ओके, विथ सेंटर एट डी, विथ सेंटर एट पॉइंट डी, विथ सेंटर एट पॉइंट डी ड्रॉ सेमी सर्कल, ड्रॉ सेमी सर्कल, ड्रॉ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस 1 to 2 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस
वन टीओ टू फिर नंबर टू, वन टू टू सेंटीमीटर ऑन लाइन ए बी, ऑन लाइन ए बी। स्टेप चेंज मत करना, मैं स्टेप रिपीट कर रहा हूं लेकिन इसके बाद कंटिन्यू करूंगा, चेंज मत करना। विद सेंटर एट डी ड्रॉ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 टू 2 सेंटीमीटर ऑन लाइन ए बी, फुल स्टॉप। दिस सेमी सर्कल इज ईजी, दिस सेमी सर्कल इज ईजी मीटिंग सी डी, मीटिंग सी डी एट पॉइंट एफ, मीटिंग सी डी एट पॉइंट एफ, मीटिंग सी डी विद एट पॉइंट एफ, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट पॉइंट में, विथ सेम रेडियस, रेडियस उतना ही रखना है जैसे पहले रखा था, 1 टू 2 सेंटीमीटर जो भी आपने रखा है, 1 रखा है, 1.1, 1.2, 1.52 जो भी रखा है, विथ सेम रेडियस एंड सेंटर एट सी, विथ सेम रेडियस एंड सेंटर एट सी ड्रॉ सर्कल with same radius and center at C, draw circle meeting CD at point H, meeting CD at point H, मीटिंग सी डी एट पॉइंट एच। मैं दोनों पॉइंट फिर बता देता हूं। विथ सेंटर एट डी ड्रॉ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 टू 2 सेंटीमीटर ऑन लाइन ए बी, दिस सेमी सर्कल इज ई जी मीटिंग सी डी एट पॉइंट एफ। अगला पॉइंट, विथ सेम रेडियस एंड सेंटर एट सी draw a circle meeting CD at point H। हो गया पॉइंट लिखना आप लोगों का। ओके, अब देखिए क्या करना है। नाउ सी व्हाट यू हैव टू डू। अब आपको फिर से कंपास का यूज करना है। कंपास का यूज करके आपको नीडल यहां पे रखना है, ई पे, नीडल ई पे रखना है और पेंसिल का टिप एफ पे रखना है। नीडल रखे ई पे, पेंसिल का टिप एफ पे, आपका ये मेजरमेंट ले लीजिए, मतलब जो पिछला मेजरमेंट था अब वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा। आपको नीडल कहां रखना है, ई पे, और पेंसिल का टिप रखना है एफ पे। कीप द नीडल ऑन ई एंड टिप ऑफ पेंसिल ऑन एफ, नीडल ऑन ई एंड टिप ऑफ पेंसिल ऑन एफ। मेजरमेंट ले लिया, यस मेजरमेंट ले लिया, आई रिपीट, कंपास का टिप ई पे रखना है और पेंसिल का टिप एफ पे रखना है, ठीक है, ये मेजरमेंट लेना है आपको। आपने ये मेजरमेंट लिया, सिर्फ एक स्टूडेंट अब तक रिस्पॉन्ड किया है,
ओके, अब इस मेथड को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे इसका आंसर दीजिए। ये देखिए, यहां पे आपका पॉइंट एच है, यहां पे आपका पॉइंट एफ है और यहां पे आपका पॉइंट ई है। दिस इज द पॉइंट डी। अब अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो फिर सीडी क्या है? व्हाट इज सीडी? रफ डायग्राम में अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो फिर सीडी क्या है? आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ये रही वो पैरेलल लाइन। अगर दो लाइन पैरेलल है तो सीडी क्या है? ओनली वन स्टूडेंट हैव रिस्पॉन्डेड। गुड, दोनों का आंसर सही है। यस, सीडी इज द ट्रांसवर्सल। गुड, सीडी इज द ट्रांसवर्सल, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन मेरा, ये ईएफ है एंगल, दिस इज ईएफ एंगल, ठीक है। मुझे इसके लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल चाहिए, तो आप मुझे वो कौन सा होगा? एक तो ये हो सकता है, एच से इधर की तरफ ये एंगल वन में नाम दे रहा हूं, और एक ये हो सकता है, इसे मैं एंगल टू नाम दे रहा हूं। आप मुझे बताइए इस ईएफ एंगल के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा रहेगा, एंगल वन या एंगल टू? ईएफ के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा रहेगा, एंगल वन या एंगल टू? मैं यहां पर बता देता हूं, एंगल वन मैंने इस तरफ दिया हुआ है, एंगल टू मैंने इस तरफ दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये बताना है अल्टरनेट एंगल कहां होगा, एंगल वन होगा या एंगल टू होगा? ये आपका एंगल ई एफ है। ओके, कार्तिकी का आंसर एंगल टू आ रहा है। Yes, what will be alternate interior angle between the parallel lines? नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। वैभव भी कह रही है, आई थिंक एंगल वन। मैंने पहले कहा नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, नाम में आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ रहा है। इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है वो सोचो, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है वो सोचो, सब कुछ नाम में ही दिया हुआ है। Yes, अब तक सिर्फ दो बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया है, व्हाट अबाउट रिमेनिंग? उसमें भी वैभव ने अपना आंसर चेंज कर दिया। ओके, यस, व्हाट अबाउट रिमेनिंग? विकास मुझे समझेंगे आप क्या कह रहे हो, E इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू वन, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग। मैंने आपसे सीधे सीधे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूछा हुआ है। ये खुद एक एंगल है, उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा रहेगा? ये ईएफ एक अल्टरनेट, ईएफ एक एंगल है, इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहां आएगा, इस तरफ आएगा कि उस तरफ आएगा? मेरा क्वेश्चन ये है, एंगल सी, अभी एंगल सी कौन सा है?
ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, इन दोनों में से कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रहेगा? विकास माइक ऑन करो। सर ई के लिए एंगल 2 और एफ के लिए एंगल 1। गलत है, ई एफ खुद अपने आप में एक एंगल है, ई और एफ की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं मैं। मेरा क्वेश्चन है कि ये लाइन है, ये एक एंगल है, तो इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस तरफ आएगा कि इस तरफ आएगा? इस तरफ के एंगल को मैंने नाम 1 दिया है, इस तरफ के एंगल को नाम 2 दिया है। मेरा क्वेश्चन है कि इसके लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा रहेगा? ये रहेगा कि ये रहेगा? एंगल 2। आप ई और एफ की वैल्यू क्यों बता रहे हो? मैंने ई और एफ की वैल्यू थोड़ी पूछी सर है। एंगल 2। यस, एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रहेगा, मतलब इसके लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये रहेगा। अब आप ये बताइए, क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं? आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल? क्वेश्चन यस सर। टू ऑल ऑफ यू। यस सर। आप माइक क्यों ऑन कर रहे हो? यहां माइक ऑन नहीं करना है। यस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब थोड़ी देर पहले आपने क्या किया था वो देखिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने यहां पे पेंसिल का टिप रखा था ई पे, और सॉरी, नीडल यहां रखा था और पेंसिल का टिप एफ पे रखा था, मतलब आपने ई से एफ का मेजरमेंट लिया था। ठीक है, अब इस मेजरमेंट का आपको यूज करना है। ठीक है, अब आप क्या करो, आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये वाला पॉइंट आपका एफ है, ये वाला पॉइंट ई है, इतना मेजरमेंट आपको लेना है, ये पॉइंट एच है, तो यहां पे एच पे आप निडल रखो, एच पे आप निडल रखो और इस तरफ एक आर्क कट करो। यस, कीजिए निडल ऑन एच और नेक्स्ट साइड पे एक आर्क कट करो, मतलब ई जिस तरफ है ना उस तरफ नहीं, उसके अगले तरफ, निडल ऑन एच एंड कट द आर्क। और जहां पे आर्क कट हो रहा है उसे नाम दे दो आई, जहां पे आर्क कट हो रहा है उसे नाम दे दो आई। हो गया, हो गया। चलिए मैं कंसीडर कर रहा हूं कि आपका हो गया होगा। ठीक है, पॉइंट लिखिए, स्टेप लिखिए, स्टेप में क्या लिखना है? यूजिंग कंपास फाइंड मेजरमेंट ई एफ, यूजिंग कंपास फाइंड मेजरमेंट ई एफ या टेक मेजरमेंट ई एफ। यूजिंग कंपास टेक मेजरमेंट ई एफ, ठीक है, फुल स्टॉप। इसी में आगे लिखो, नाउ नाउ विथ सेंटर एट एच, विथ सेंटर एट एच कट द सर्कल, कट द सर्कल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ई, कट द सर्कल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ई। ई इस तरफ है, आपको उस तरफ कट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहां रखा और इस तरफ कट कर दिया, गलत, इस तरफ रख के उधर कट करना है क्योंकि ई इस तरफ है। विद सेंटर एट एच कट द सर्कल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ई, फुल स्टॉप। इसी में लिखो, लेट दिस पॉइंट बी आई, लेट दिस पॉइंट बी, बी बी आई कैपिटल आई, इस पॉइंट को नाम आई दे दीजिए। दे दिया, अब इसके बाद आपका अगला पॉइंट क्या आएगा? जॉइन सी आई, इस सी आई को जॉइन कीजिए और लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए। अगला पॉइंट आएगा जॉइन सी आई। चलिए सी आई ज्वाइन कीजिए, जो सी आपने पहले पॉइंट लिया था वो, और अब जो आई मिल रहा है वो,
उसको आप ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद चेक कीजिए कि ये और ये लाइन पैरेलल आ रहे हैं या नहीं। ज्वाइन सी आए, यस आपने सी और आई को ज्वाइन किया, प्लीज रिस्पॉन्ड आइदर यस नो, कुछ तो रिस्पॉन्स कीजिए। यस आपने सी आई को ज्वाइन किया, लाइंस पैरेलल आ रहे हैं। ओके आपका स्टेप क्या आएगा, आपका स्टेप आएगा ज्वाइन सी आई, नेक्स्ट स्टेप बनना ज्वाइन सी आई एक्सटेंडेड, हमने एक्सटेंड किया है इधर और इधर, एक्सटेंड इट ऑन बोथ साइड। Extended on both sides, okay? और आगे लिखना This gives the line parallel to AB. This gives line parallel to line AB. This gives line parallel to line AB.